हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना औरंगजेब और आप देख रहे हैं टेकजेब यूट्यूब चैनल। कैसे आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल करके लाया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिनके थ्रू आप भी अपने चैनल पर व्यूज़ अच्छे खासे ला सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए कुछ खास है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर जो मैं आप दोस्तों को बातें शेयर करने वाला हूँ, वो बहुत ही आप दोस्तों के काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेकजेब को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, तो हमारे चैनल टेकजेब को सब्सक्राइब करके साथ बेल का बटन जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपने जो अपना इंट्रो होता है, जो आप मतलब वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले आपको छोटा सा इंट्रो दिया है, तो इस तरह आपको भी अपना इंट्रो देना है वीडियो के अंदर, ताकि जो वीडियो पर क्लिक करके आया है, जो आपकी वीडियो पर पहुंचा है, ताकि उसको समझ आ सके कि आपकी जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनेगी, या फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक चलेगी या कि नहीं चलेगी। तो इस वजह से आपको अपना इंट्रो देना है। लेकिन अब कुछ लोग जो है वो इंट्रो इतना लंबा कर देते हैं कि बंदा जो पहले वाला है वो उकता जाता है कि ये तो अपने बारे में कुछ बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो आपने इंट्रो बहुत ही शॉर्ट करके देना और फौरन से आपको अपनी वीडियो जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है, आपको पता है कि इतनी आजकल आवाम जो है वो फारग नहीं है कि आपकी मतलब जब वायरल बंदा हो जाता है, जब कोई बंदा बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, तब तो वो आपके फ़ैन बन चुके होते हैं, तब तो वो आपकी वीडियोस को देखते हैं। लेकिन जब तक आपका कोई नाम नहीं है, तब वो आपको क्यों देखेंगे? इतना उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं। इसलिए आपको जो भी बात करनी है, जो भी इंट्रो के अंदर बताना है, वो शॉर्टकट बताना है और आगे सीधा चले जाना आपकी अपनी वीडियो के अंदर। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाना, थोड़ा सा इंट्रो देना है वीडियो के अंदर आप क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर आप वीडियो की तरफ जाने से पहले आप ये बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप नहीं भी बोलते, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं बोलते तो आपकी कोई वीडियो देखेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी वीडियो उसको अच्छी लगी है, तो वो आपके चैनल को ज़रूर से खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लेगा। अगर उसको अच्छी नहीं लगी, तो फिर आपके बोलने पर भी वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। और हाँ, लाइक जो है वो तो उनकी डिपेंड करता है, उस पर वो करता है नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। वो अगला पॉइंट क्या है कि आपको अब अगर आप नए यूट्यूबर हैं, तो आपकी अपनी जो वीडियो है उसको ज़्यादा मैक्सिमम लंबा नहीं करना। आपको अपनी वीडियो की मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 से 6 मिनट तक ही रखनी है, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट तक रखनी है, क्योंकि आपके आप नए यूट्यूबर हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो को ख़त्म करवाना है। आपको अपना ऑडियंस रिटेंशन जो वो ज़्यादा करना है, इसलिए आपको अपनी वीडियो को कम रखना है, यानी 5 से 6 मिनट की रखना है, ताकि आपकी वीडियो 3 से 4 मिनट की, या फिर कम से कम जो बोली जाए तो 3 मिनट की देखी जाए। तो इस वजह आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा और आपकी वीडियो वायरल होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हो, तो आपको लोगों की डिमांड पर वीडियो बनानी है। सबसे पहले आपने अपने लोगों की डिमांड देखना। डिमांड किस तरीके से देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि आपको अगर कोई टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक या सर्च टॉपिक तलाश करना, तो किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन करूँगा, दे दूँगा। वो वीडियो देखकर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को देख सकते हैं कहाँ से आपको वो वीडियो बनानी है। तो डिमांड पर आपने वीडियो बनानी है, यानी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता था। हमको लोग जो वायरल यूट्यूबर हैं, उनके कमेंट्स में जाना है और वहाँ पर आपको चेक करना है कि वो क्या चाह रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, तो उनमें से आपने कोई अच्छा जो कमेंट है वो पिक करना है, जो सोल्यूशन जो आप निकाल सकते हो, या फिर जो भी आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। तो ये होता है एक सर्चेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत होती है और डिमांड होती है लोगों की। और दूसरा, आपने अपने कमेंट्स भी चेक करने होते हैं कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, मतलब आपसे वो क्या चाहते हैं। तो उस डिमांड पर आपने वीडियो बनानी, तो वो आपकी वीडियो जो है वो कम से कम आधी वीडियो देखी जाती है। कंप्लीट वीडियो तो मुश्किल ही होता है कि हर बंदा कंप्लीट आपकी वीडियो देखे। आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी वीडियो कौन सी वायरल है, आपके यूट्यूब चैनल पर कौन सी ऐसी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, उस वीडियो को आपने टारगेट करना है। फिर आपने उसी के मुताबिक, उसी के रिलेटेड आपने कम से कम 10 से 15 वीडियो बनानी है वक्फे वक्फे पे। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना वही टॉपिक, रोज़ाना ऐसा नहीं करना, लेकिन वक्फे वक्फे पे आपने उस वीडियो को टारगेट करना, उसी वीडियो की जैसी और वीडियोस बनानी, तो आपकी वीडियो चलने लगेगी, क्योंकि उस वीडियो के थ्रू आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ज़्यादा व्यूज़ आया है, तो उसी वीडियो ने आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा, या फिर आपने चेक कर लेना कि कौन सी वीडियो ने आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं, ये भी आपने चेक कर लेना है। तो उसके रिलेटेड आपने वीडियो बनानी है, उनको टारगेट करके आपने वीडियो बनानी है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे क्या बताया मैंने, दूसरी बात आपने ये करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि यूनिक कंटेंट बनाना। अब यूनिक क्या मतलब,
यूनिक का मतलब है कि जो YouTube पर या तो ना किसी ने किया हो और ना ही मतलब कि कोई कर सका हो, या फिर YouTube पर बहुत कम लोगों ने किया हो, या फिर अगर किया हो तो उस वीडियो से उनको कुछ मिला ना हो, सोल्यूशन ना मिला हो, तो वो वीडियो लाजमी आपने बनानी है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा चली हैं जो YouTube पर थी, मगर वो या तो लैंग्वेज अलग थी या फिर वो वीडियो जो है वो उसके अंदर से ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं मिल सका या फिर वो वीडियो थी ही नहीं, तो वो वाली वीडियो मेरी चली है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यूनिक कोशिश करनी है। यूनिक का सबसे पहले आपने वही तलाश करना है कि YouTube पर अगर कोई आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है तो उसको सर्च करें YouTube पर और देखें कि उस पर कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप यूनिक कंटेंट बना कर देंगे। तो आई होप आपको ये जो आप रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा सकते हैं और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी देकर छोड़ें। तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं आज की वीडियो, तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।